एक और सबसे इंटरेस्टिंग वाली बात जो मुझे लगी वो ये कि अगर मान लीजिए घर में लाइट नहीं है तो आप बकायदा इस गाड़ी से अपने पूरे घर की लाइट को भी चला सकते हैं। कैसे हैं आप लोग, आई होप सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको सोनो मोटर्स के बारे में बताने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, सोनो मोटर्स जो है ना बेसिकली एक जर्मन में कंपनी है और वो बहुत जल्द अपनी एक नई ईवी लॉन्च करने वाली है। और इस ईवी की खासियत ये है कि इसको आप घर से भी चार्ज कर सकते हैं, बाहर से भी चार्ज कर सकते हैं, प्लस अगर आप ऐसी जगह पे खड़े हैं जहाँ पे ये दोनों फैसिलिटी अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप इसको सूरज की रोशनी से भी चार्ज कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये अपने टाइप में एक पहली एसयूवी है, यानी सोलर इलेक्ट्रिकल व्हीकल भी है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको इसके बारे में बहुत सारी चीजें बताने वाला हूँ, तो बस फिर बने रहो वीडियो के अंदर। सोनो मोटर्स जैसे मैंने आपको पहले बताया एक जर्मन में कंपनी है और ये अपनी एक नई ईवी लॉन्च करने वाले हैं जिसका नाम है सोनो सियोन। सोनो सियोन को इन्होंने 2017 में इंट्रोड्यूस करवाया था मार्केट के अंदर। वहाँ पे इसको बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन पॉइंट्स मिले लोगों का और वहाँ पे इन्होंने ये डिसाइड किया कि अगर नंबर ऑफ बुकिंग इनकी बढ़ती है तो डेफिनेटली वो इस पर काम करना चालू कर देंगे। और हुआ भी वही, आज की डेट पे इनके पास बहुत ढेरों बुकिंग्स आ चुकी हैं इस गाड़ी के रिगार्डिंग। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो 2023 के अंदर इसकी प्रोडक्शन को स्टार्ट करेंगे यूरोप के अंदर, प्लस 2023 के एंड तक ये इस गाड़ी को पूरी मार्केट में फैला देंगे, यानी कि मार्केट में हैंड ओवर करेंगे लोगों के पास। अब बात करते हैं इसके फीचर्स की। देखो अगर फीचर्स की बात की जाए तो शुरुआत करते हैं इसकी बैटरी से। इसकी जो बैटरी है वो 54 किलोवाट आवर की है, यानी कि सिंगल चार्ज में ये आपको 305 किलोमीटर की रेंज देने वाली है। अच्छी खासी रेंज है। प्लस अगर मैं इसकी टॉप स्पीड की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 140 किलोमीटर पर आवर की स्पीड मिल जाएगी, यानी 140 किलोमीटर की स्पीड आपको मिल जाएगी अच्छी खासी। अगर मैं यहाँ पे मोटर की बात करूँ तो यहाँ पे सिंगल मोटर लगी हुई है जो कि 120 किलोवाट की है, प्लस साथ ही साथ सिंगल ट्रांसमिशन के साथ आपके पास आती है। अब बात करते हैं इसका चार्जिंग सिस्टम के बारे में। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये गाड़ी जो है एक ईवी है और बकायदा सूरज की रोशनी से भी अपने आप को चार्ज कर पाती है। तो कैसे कर पाती है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे क्या है, इस गाड़ी के जो बड़े बड़े पार्ट्स हैं ना बॉडी के, वहाँ पे मोनो क्रिस्टलाइन सिलिकॉन सेल्स को लगा दिया गया। अब इन सेल्स को कोई नुकसान ना पहुंचे, स्क्रैचेज ना आए, तो उसको बचाने के लिए पॉलीकार्बोनेट की लेयर लगा दी गई है, जिसकी वजह से इस गाड़ी के जो सेल्स हैं इनको स्क्रैच प्रूफ रखा जा सके। अब होता है यहाँ पे ये कि जब ये गाड़ी धूप में खड़ी होती है तो ये अपने आप को चार्ज कर पाती है। ये जो चार्ज होता है ये इसकी बैटरी में स्टोर हो जाता है। अगर नॉर्मल धूप है, एक एवरेज धूप है, तो यहाँ पे ये जो चार्ज है ये बकायदा रेंज प्रोड्यूस करता है 112 किलोमीटर की। अगर अच्छी खासी धूप है तो यहाँ पे ये रेंज बढ़ के 245 किलोमीटर की भी हो जाती है। सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी वो ये कि इसका जो चार्जिंग सिस्टम है वो बाई डायरेक्शनल है। बाई डायरेक्शन का मतलब होता है ये खुद किसी और ईवी को भी चार्ज कर सकती है। कितने स्पीड से कर सकती है मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ये जो गाड़ी है ये 3.7 किलोवाट की स्पीड से भी किसी और गाड़ी को चार्ज कर सकती है। ये अगर वो चाहे तो अपनी स्पीड को बढ़ा भी सकती है, यानी कि ये खुद 11 किलोवाट की स्पीड से भी किसी और गाड़ी को चार्ज कर सकती है ना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग वाली बात। एक और सबसे इंटरेस्टिंग वाली बात जो मुझे लगी वो ये कि अगर मान लीजिए घर में लाइट नहीं है तो आप बकायदा इस गाड़ी से अपने पूरे घर की लाइट को भी चला सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस सिस्टम को बनाया ही ऐसा गया है कि ये गाड़ी जो है आपके घर की लाइट को भी जला सकती है। अब बात करते हैं कि अगर इस गाड़ी को आप खुद से चार्ज करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि आप इस गाड़ी को नॉर्मल सॉकेट के थ्रू भी चार्ज कर सकते हैं, लेकिन टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा, यानी 13 घंटे लग जाएंगे आपको यहाँ पे चार्ज करने में। अगर आप अपने घर पे एक वॉल माउंट लगवा लेते हैं और उसके थ्रू अगर इसको चार्ज करते हैं तो यहाँ पे आपको 4 से 5 घंटे लग जाएंगे इसको फुल चार्ज करने में। और अगर आप इसको बाहर से चार्ज करवाते हैं, यानी चार्जिंग स्टेशन से अगर चार्ज करवाते हैं, तो वहाँ मात्र 1 घंटे में ये गाड़ी फुल चार्ज हो जाएगी। सेफ्टी फीचर्स की अगर बात की जाए यहाँ पे तो इन्होंने बहुत सारे फीचर्स के बारे में बताया, बट जो मेन हाइलाइटेड फीचर्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। इन्होंने बोला है कि इनकी गाड़ी में आपको ABS मिल जाएगा, ESP मिल जाएगा, प्लस साथ ही साथ इनको ड्राइवर और नॉन ड्राइवर सीट्स के ऊपर आपको एयरबैग मिल जाएंगे। यहाँ पे ये कंपनी एक और दावा करती है वो ये कि वो कहती है कि इस गाड़ी की जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो बहुत लो है। वो तो भैया तभी पता चलेगा जब हम ये गाड़ी इंडिया में आएगी और हम इसको चला पाएंगे, टेस्ट ड्राइव कर पाएंगे, और तभी हम बता पाएंगे कि कितना खर्चा लग रहा है एक्चुअल में। तब तक के लिए वेट करते हैं और देखते हैं कब ये गाड़ी इंडिया में आती है। अब बात करते हैं इस गाड़ी के प्राइस के बारे में। हालांकि कंपनी ने ऐसा कुछ डिस्क्लोज नहीं किया, बट जो मैं पढ़ रहा था मैं आपको बता दूं, ये जो गाड़ी है वो $25,000 की है यूरोप के अंदर। तो आप ये अंदाजा लगा लीजिए, अगर ये गाड़ी आप इंडिया मंगवाते हैं तो बकायदा आपको इंपोर्ट ड्यूटीज पे करनी पड़ेगी, तो कितने की पड़ जाएगी। तो बस फिर अगर पैसे हैं तो मंगवा लीजिए गाड़ी, क्योंकि ये कंपनी का दावा है कि आप इस गाड़ी को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के थ्रू भी मंगवा सकते हैं।
और ये कंपनी आपके घर पे ये गाड़ी पहुंचा सकती है। लास्ट में बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर मेरी दी हुई इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आती है तो इसको लाइक किया करो, शेयर किया करो अपने फ्रेंड के साथ, अपने नोन के साथ, और अगर मेरे चैनल पे नए आए तो वो यार वो लाल वाला जो बटन है ना उसको दबा दो सब्सक्राइब का, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन जरूर जाए। मैं फिर मिलूंगा आपको एक नई वीडियो के साथ, एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।